हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई एस विच हेज गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये कॉन्टेक्स्ट तो इसका कुछ ऐसे शुरू होता है कि एक ट्राइब है कर्नाटका में जिसका नाम है हकी पिकी हकी पिकी ट रीजन से राइट कर्नाटका ने इसको टाइटल डीड्स दे दे दी हैं टू लैंड हैड फॉर अबाउट अ सेंचुरी वो सौ साल से उस लैंड के ऊपर खेतीबाड़ी कर रहे थे अब उनको टाइटल डीड्स दे दिए टाइटल डीड्स का मतलब होता है दैट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी उस पर्टिकुलर लैंड की ओनरशिप uh, को एक्नोलेज करता है राइट तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइटल डीड क्या होती है ये उसका पार्ट नहीं है हमारे लिए बच्चे क्या इंपॉर्टेंट होता है इज द ट्राइब इन इट द वे जो हक्की का मतलब होता है इन कन्नड़ लैंग्वेज हक्की का मतलब होता है चिड़िया बर्ड है ना और पिक्की का मतलब होता है पकड़ने वाला कैचिंग बर्ड कैचिंग तो ये एक कम्युनिटी है जो कि हक्की पिक्की का मतलब लिटरल मतलब ही है द बर्ड कैचर्स राइट अभी हम इसको इवेंचुअली देखेंगे भी आइए बच्चे तो हमारे लिए वो वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए पर्टिकुलर ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाती है अब अगर तो आपका कोई बहुत ही बेसिक सा क्रूड सा क्वेश्चन आ गया तो वो पूछ लेंगे हकी पिक्की ट्राइब बिलोंग्स टू विच रीजन है ना और उसके अंदर वो क्योंकि ये द्रविडियन रीजन का है साउथ इंडियन रीजन का ये ट्राइब है तो या तो वो कर्नाटका देंगे और बदले में आपको कुछ नॉर्थ के ऑप्शन दे देंगे या तो आप क्लियरली वन आउट आइडेंटिफाई कर लोगे राइट अगर यूपीएससी जो कि अपनी आई पे आता ही है तो हम इसको सारा का सारा डिटेल में बारे में पता करने की जरूरत नहीं है जो भी होगा आज हम इस वीडियो के अंदर सात मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करेंगे दे आर सेमी नोमेटिक ट्राइब ट्रेडिशनली बर्ड कैचर जो कि मैंने आपको बताया कि ये, इसका मतलब ही ये है।, है ना हकी का मतलब चिड़िया का मतलब कैचर्स राइट एंड हंटर्स एंड डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ कर्नाटका ठीक है जी जो स्टेट है वो अपनी लिस्ट अलग से भी मेनटेन कर सकती है और करती है तो यह शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ कर्नाटका की लिस्ट के अंदर वहां पर हैर घट्टा नेशनल पार्क है ना बी एन पी बनेर घट्टा ऑफ कर्नाटका साइड नोट इस पर्टिकुलर वीडियो का यह रहेगा कि आपको बनेर घट्टा नेशनल पार्क अंदर कौन सा मेजर एनिमल जो है वो प्रोटेक्टेड है क्या इसके रिलीफ फीचर्स है और किस टाइप का ये फॉरेस्ट है हालांकि कर्नाटक रीजन में है तो आप थोड़ा गैस भी कर सकते किस टाइप का फॉरेस्ट होगा बट एक बार इसको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि अब वैसे होता क्या है ना बच्चे वैसे तो हम सारे नेशनल पार्क्स क्योंकि दे आर हंड्रेड ऑफ नेशनल पार्क्स तो हम सारे तो कवर नहीं करते हैं बट जो हाईलाइट हो जाता है ना उसको हमारे को कवर करना बच्चे काफी जरूरी होता है ठीक है जी और इरूलीगल ट्राइबल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द एज ऑफ बीएनपी ये आपको थोड़ा सा अगर आता है मैच द फॉलोइंग में या रीजन के हिसाब से पूछने को आता है तो उसके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जी टैग मिला है एक याक चीज़ वराइटी को याक मिल्क से चीज़ बनता है मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि वो चीज़ का नाम क्या है राइट एक बार आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए अभी अभी मिला है रिसेंटली जी टैग मिला है उसको है ना और वो अरुणाचली याक के मिल्क से वो चीज बनता है वर्ल्ड का हार्डेस्ट चीज भी कहा जाता है उसको <coughs> आइए बच्चे अब ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है है ना ये चार के अंदर डिवाइडेड है जिसको गुजरातिया पनवर कलीवला और मेवाड़ाज है ना इनके नाम से जाना जाता है अभी समझ में आ रहा होगा कि गुजरातिया पनवर और ये इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चे िकॉज दे आर बिलीव टू हेल ओरिजनली फ्रॉम दी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट गुजरात एंड राजस्थान से तो क्वेश्चन आ सकता है दैट दीज फोर क्लैंड गुजराती पनबर कलीवाला एंड मेवास आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द्राइब्स इन इंडिया राइट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा चार ट्राइब्स का नाम दे देंगे जिसमें से एक होगा हकी पिकी राइट right? या फिर अगर और एडवांस क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपको वो उस एंगल पे लेकर जाएंगे वन ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्स राइट और इन चार में से कोई एक वर्ड वो रिप्लेस कर देंगे कुछ और डाल देंगे वहां पे है ना आइए बच्चे और इसमें भी आपको हैरार की है कि इसमें गुजराती टॉप पे है और जो मेवाड़ा है वो आपके बॉटम पे रहेंगे राइट एंड इट इज़ बिलीव कि इनके जो रिलेशन हैं एंसेस्टर रिलेशन वो आपके राणा प्रताप सिंह जी के साथ में भी आ, जो है वो कहा जाता है कि उनके साथ में भी ये रिलेशन इनके जो इंसेस्टल रिलेशन है उनके साथ में भी वहां पे हैं राइट right? और ये दे आर नोन टू सेल हर्बल ऑयल ग्लोबली स्पेशली इन अफ्रीका दिस पर्टिकुलर ट्राइब दे एक्सट्रैक्ट हर्बल ऑयल्स हर्ब्स के थ्रू जो ऑयल्स आता है है ना वो वाला ऑयल ये एक्सट्रैक्ट करके ये ग्लोबली बेचते हैं तो ये ट्राइब उसी उस मामले के अंदर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आगे चलते हैं बच्चे ये हमने देख लिया इसके अलावा इसमें एक और खास बात यह है बच्चे डिस्पाइट बींग सराउंडेड बाई द्र, द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड लिविंग इन दिस सदर्न इंडिया है ना जो कम्युनिटी है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो बोलती है जिसको स्कॉलर्स ने वागरी के नाम से संबोधित किया है उसको वागरी का नाम दिया गया है और तो और वागरी जो है वो एक वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज यूनेस्को की लिस्ट है एंडेंजर्ड डेंजर्ड लैंग्वेजेस की उसके अंदर ये वागरी जो है लिस्टेड है एज एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं बच्चे और ये आपकी एक मेट्रीलिनियर सोसाइटी है जहां पे ग्रूम जो है वो डाउरी देता है कि जो एल्डेट सन होएगा वो अपने बाल निकटवा सकता कुछ इस टाइप की चीजें अगेन आप एक बार इसका स्क्रीन ले लीजिए इसको पढ़ लीजिए आपके जो मेन आपके जो प्री के अंदर है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर योर प्रस एग्जामिनेशन If you wish to cover your current affairs holistically, for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak, and if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.